गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आपकी क्लास 12th का काफ़ी सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, बोर्ड एग्जाम्स के फॉर्म भरे जा चुके हैं और कोर्स कंटेंट भी आप तक रिवाइज कोर्स कंटेंट मैंने पहुंचा दिया था। हो सकता है कुछ और चेंजेस भी हो, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो हमें उसी पुराने कोर्स कंटेंट जो अभी रिसेंटली आए थे उसके हिसाब से पढ़ने हैं। उसमें आपके एक टॉपिक है नोटिस राइटिंग, काफ़ी सारी क्लासेस हम उसके कर चुके हैं, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ आपके लिए, इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा था, नीचे पूरा नोटिस ड्राफ्ट किया है, तो मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ। यू आर रानी, आपका नाम रानी है। यू हैव फाउंड अ ज्योमेट्री बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड, आपको स्कूल प्लेग्राउंड में ज्योमेट्री बॉक्स मिला है। ड्राफ्ट एंड नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, आपको वर्ड लिमिट दी गई है 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। ये जो नोटिस आप बनाएंगे स्कूल के नोटिस बोर्ड पे स्टिक किया जाएगा। यू आर स्टूडेंट ऑफ एंजल पब्लिक स्कूल सीकर, आप स्कूल कौन से स्कूल है? एंजल पब्लिक स्कूल सीकर। देखिए ये चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि हेडिंग वही आएगा। तो यहाँ संस्थान का नाम मैंने कहा था, जब भी आप नोटिस लिखे एक तो पूरा ब्लॉक ड्रॉ करें, इस तरह से ब्लॉक बना के लिखेंगे, फिर संस्थान का नाम आएगा, संस्थान का नाम लिख दिया है एंजल पब्लिक स्कूल सीकर, फिर आती है डेट जिस दिन नोटिस लिखा गया है। तो मान लीजिए हमने मान से कुछ भी डेट ले ली, मैंने 13 नवंबर लिया है, फिर आया नोटिस, मैंने कहा था हेडिंग लेना है, फिर हेडिंग नोटिस किस चीज के बारे में है वो हेडिंग हमने दिया है। हर चीज के नंबर है बच्चों, एक भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। ये हमने हेडिंग लिख दिया है फाउंड अ ज्योमेट्री बॉक्स, क्लियरली है ताकि जो भी बच्चे नोटिस बोर्ड पे नोटिस देंगे उनको इस चीज के बारे में पता चले। अब मैंने ये नोटिस लिखा है, शॉर्ट एंड स्वीट है, कोई स्पेशल ग्रामर की जरूरत नहीं है, इसलिए नोटिस इजी रहता है कि अ ज्योमेट्री बॉक्स इज फाउंड इन स्कूल प्लेग्राउंड्स ऑन ट्यूजडे। कब मिला? डेट और आर मैंने बता दिया है, 8 दिसंबर मन से लिखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सही हो। द ओनर मे कॉन्टैक्ट, अब कैसा है वो हम नहीं बता रहे कि किस कलर का है, अंदर क्या है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बच्चा आके मांग लेगा ये मेरा है, नहीं। जब बच्चा आएगा मांगने तब हम उससे डिटेल मांगेंगे, तब तक द ओनर मे कॉन्टैक्ट जो भी उस बॉक्स का मालिक है, द अंडरसाइंड नीचे दिए हुए सिग्नेचर वाले इंसान से कॉन्टैक्ट करें इन हर क्लासरूम ड्यूरिंग लंच। हमने टाइम भी दे दिया कि बच्चा कब मिलने आएगा, लंच के दौरान। अब नीचे अंडरसाइन, ये साइन वाला हिस्सा है, साइन और नीचे उसकी क्लास,